से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। बदमाशों ने हथियारों के बल पर ये लूट की है। 1.5 करोड़ रुपए लूट कर बदमाश फरार हुए। 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों से कैश कलेक्ट करके ये जा रहे थे। बड़ी लूट है, 1 करोड़ से ज्यादा की लूट है। कुशीनगर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि हाटा कोतवाली के झांगा बाजार के पास की यह घटना है। कुशीनगर में बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं, इसकी बानगी है यह वारदात। और कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी का क्या अपडेट है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। अभी कुशीनगर पुलिस लगातार लगी हुई है इस पूरे रात से पर्दा उठाने के लिए। पूरे लाल लश्कर के साथ कुशीनगर पुलिस वहां घटना स्थल पे पहुंची हुई है। जो जो तकनीकी सुविधाएं ले सकते हैं, जो भी इस पूरे रात से पर्दा उठाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो पूरी मुस्तैदी के साथ कुशीनगर पुलिस वहां मौके पर लगी हुई है। राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाटा कोतवाली के पास ये झांगा बाजार चौराहे पे ये पूरी घटना को वारदात दिया है, अंजाम दिया है इस पूरे वारदात को बदमाशों ने। रिलायंस पेट्रोल पंप से कैश वैन कलेक्ट करती है ये और ले जाके बैंक में जमा करती है। हालांकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है कि इसके साथ एक असलाहधारी सुरक्षा कर्मी चलना चाहिए, वहां पे इस कंपनी के द्वारा चूक देखने को आ रही है कि इसके साथ कोई भी असलाह लेके एक बार मुस्तैद नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से बदमाश इस पूरे घटना को अंजाम दे सके हैं। जी चलिए, आप कुंदन हमारे साथ बने रहिए। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो अभी आपको सुनाते हैं। कह रहा था कि हम बैंक में इसको जमा करने जा रहे हैं और इसमें कुछ बदमाशों ने इसको और कैश जो था उसको लेकर भाग गए। इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है और शीघ्र ही पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया। कुंदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी तो पुलिस सिर्फ ढूंढ रही है उन लोगों के बारे में, वो तो अंजाम देकर फरार हो गए। कोई इन्फॉर्मेशन, पुलिस को कुछ जानकारी मिली है? जी राहुल, अभी कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ तत्काल में हाथ खाली हैं, जिसकी वजह से वो तरह तरह की कयास लगा रही है। जो भी तकनीकी सुरक्षा है उसमें एक बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसकी वजह से इन बदमाशों तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल, पुलिस तेजी से काम कर रही है, लेकिन पुलिस को इन लोगों ने, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान जरूर यहां पर उठा है। जिस तरीके से इन बदमाशों ने तकरीबन 1.5 करोड़ लूटे हैं और फरार हो गए हैं। ये वैन रिलायंस की है, जो रिलायंस के पेट्रोल पंपों से कैश लेकर जा रही थी, इसी बीच लूट लिया गया। हाटा कोतवाली से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर लूट लिया गया है और इस कैश वैन में कुल 2 लोग थे, एक ड्राइवर और एक हेल्पर, लेकिन उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। कुशीनगर में बड़ी लूट हुई है, 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हुए हैं बदमाश। आपको बता दें कि हाटा कोतवाली के पास ये सब कुछ हुआ है। 1.5 करोड़ की लूट हुई है, रिलायंस के पेट्रोल पंपों से कैश लेकर ये कैश वैन जा रही थी। इसी बीच वहां पहले से मौजूद कुछ बदमाशों ने रोका और रोकने के बाद बंदूक की नोक पर पैसे लूट लिए हैं।